हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उबटन फॉर ऑयली स्किन, यानी ऑयली स्किन के लिए उबटन। उबटन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है। ये एक बहुत पुराने दिन की एक रेमेडी है, जो कि हमारे ग्रैंड मॉम बताती थी हम लोगों को। तो उबटन स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ऑयली स्किन के लिए उबटन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए टर्मरिक। ये देखिए, यहाँ पर है टर्मरिक। मैं यहाँ पर नॉर्मल टर्मरिक ले रही हूँ। अगर आपके पास कस्तूरी मंजल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ये नॉर्मल टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए सैंडलवुड पाउडर। ये देखिए, आपको ईजीली कोई भी शॉप में मिल जाएगा सैंडलवुड पाउडर। अगर आप चाहें तो आयुर की एक होती है सैंडलवुड पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक पैकेजिंग में, पैकेजिंग में आते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसे सबसे पहले इसे बनाते हैं। पहले तो आप क्लीन कंटेनर लीजिए। ये देखिए, मैं ये खादी फेस पैक है मेरी, तो इसे मैंने वॉश कर लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है सैंडलवुड पाउडर। फिर आप इसमें हाफ पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कीजिए, जस्ट थोड़ा सा। अगर ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपके चेहरा बहुत येलो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही ऐड कीजिए। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जी देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। अब भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपकी स्किन को बेसन सूट करता है तो अगर आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी स्किन में बेसन नहीं सूट करता है, रैसेस हो जाते हैं, इसलिए मैं बेसन को अवॉइड करती हूँ, स्किप करती हूँ, मैं इसे नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आपको बेसन लेना है तो फिर आप कैसे फेस पैक बना सकते हैं, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। आपको लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन। तो उसके लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन। फिर उसमें आप ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर एंड पिंच ऑफ टर्मरिक। फिर आप उसमें ऐड कीजिए ऑरेंज या लेमन जूस, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे यूज़ कीजिए। फिर 10 to 12 drops ऑफ जूस डालिए। फिर आप उसमें डालिए 1/2 teaspoon ऑफ योगर्ट, और आप जितना आपको लगेगा आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं योगर्ट। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर अपने फुल फेस में लगाइए, देन आधे घंटे तक वेट कीजिए, देन इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप इसे वीकली 1 time ही यूज़ कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये फेस में एक अलग से ब्राइटनेस एंड सॉफ्टनेस लाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, नेचुरल लुकिंग होगा एक। तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑयली स्किन में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा ऑयल आ जाता है फेस में, तो इसे भी इसे कंट्रोल करेगा ऑयलनेस को ज़्यादा। तो चलिए इस फेस पैक को कैसे बनाना है एंड यूज़ करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बाउल लेना है, फिर एक स्पून लेना है, देन आपके फेस के हिसाब से इसमें पाउडर ऐड करना है। ये देखिए, ऐड कर लिया। फिर आपको ऐड करना है इसमें लेमन जूस। आप इसमें 10 to 12 drops ऑफ लेमन जूस ऐड कीजिए। ये देखिए, मैंने ऐड कर लिया है। फिर आपको इसमें योगर्ट ऐड करना है, देन इसे अच्छे से एक मिक्स करना है, और आपको इसे एक थिक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। इसे आप अपने फेस में, क्लीन फेस में अप्लाई कीजिए, देन 30 मिनट तक वेट कीजिए, देन नॉर्मल वाटर से धो लें। इसे भी आप वीकली 1 time यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप बेसन चाहते हैं तो इसमें 1 teaspoon ऑफ बेसन आप ऐड करके यूज़ कीजिए। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। मैं आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाऊंगी इस उबटन के भी, जो कि है नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन एंड फेयर स्किन के लिए भी। तो आप चाहे तो जो सैंडलवुड एंड टर्मरिक जो मैंने एक कंटेनर में ज़्यादा करके बना के रखा हुआ है, आप वैसे भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो और 3 और 4 उबटन दिखाऊंगी
वो दोनों आपको मस्ट लगेंगे, तो आप चाहे तो उसे ऐड करके रख सकते हैं। ये उपटन बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, आप गाइज आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, तो आप इजीली अपने होम में इसे पा सकते हैं, और ये बहुत ही होममेड है, तो ये आपके स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। तो ज़रूर इसे फॉलो कीजिए एंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।